पिछली वीडियो में हमने देखा था पिछले वीडियो में हमने देखा था विपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सिलेक्शन टूल, मूव टूल एंड रोटेट टूल एंड स्केल टूल के बारे में, इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो है सिलेक्ट टूल में, जैसे कि सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिलहाल बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट हो उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा सिलेक्शन टूल से, मैं बताऊंगा। जैसे कि इधर पे इसको मैंने बड़ा कर दिया और डब्लू करके इस तरह से, ओके। सिलेक्शन टूल में एक उसके साइड में आता है सेलेक्ट बाय नेम। सेलेक्ट बाय नेम से क्या हम लोग नेम बाय जो हम लोग को 2015 में इधर बाहर दे दिया है, हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसको, ओके। उसके बाद आता है सिलेक्शन टूल का ये सिलेक्शन एरिया रीजन, ओके। अब ये सर्कल दिया है, सर्कल सबसे ऊपर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तरीके से मुझे सेलेक्ट करना है तो, ओके। इस तरह से अगर मुझे सर्कल तरीके से सेलेक्ट करना है, सर्कल अगर मुझे ये यूज करना है इस तरह से, बस क्लिक करो और ड्रैग करो एंड क्लिक 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 एंड क्लिक, ओके। सिर्फ इतना सेलेक्ट है, इसको छोड़ के इससे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। और ये है, इसको भी सेम उसी तरह से इस तरह से, ओके। और ये है स्प्रे, मैं जिसके ऊपर स्प्रे करूँगा वो सिलेक्ट होते जाएगा। स्प्रे यूज करूँगा अगर मैं इस तरह से और प्रेस करूँगा तो वो डी सिलेक्ट होता है, और प्रेस करके डी सिलेक्ट विदाउट हर्ट, ओके। और प्रेस करोगे तो डी सिलेक्ट होगा, और अगर छोड़ दोगे तो वो सेलेक्ट ऐड होते जाएगा। अगर मुझे इसको डिसलेक्ट करना है, और प्रेस एंड ड्रैग, ओके, और प्रेस एंड ड्रैग, ये डिसलेक्ट हो गया इस तरह से, डिसलेक्ट और छोड़ दीजिए, ओके। ये हुआ सिलेक्शन टूल। और ये है मूव टूल, मूव टूल, ओके। मूव टूल का यूज होता है मूव करने के लिए इस तरह से, मुझे एक्स एक्सेस पे मूव करना है या फिर वाई एक्सेस पे मूव करना है या फिर जेड एक्सेस पे मूव करना है, इस तरह से मूव कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसमें देखिए हर एक एक्सेस के लिए अलग अलग कलर दिया हुआ है, एक्सेस के लिए अलग अलग। इसमें आपको इसलिए समझाता हूँ किस तरह से इसको कैसे समझेंगे दिस, ओके, आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्स, इसमें दिया हुआ है वाई, इसमें दिया गया है जेड, ओके। अगर एक्स को हम लोग आर जी वी एक्सक्यूज मी आर जी वी ओके, आर जी बी मतलब आर मेज रेड, आर मीन्स रेड, जी मीन्स ग्रीन एंड बी मीन्स ब्लू, ओके। यानी कि रेड यानी कि एक्स एक्सेस, रेड यानी एक्स एक्सेस एंड जी यानी कि ग्रीन, ग्रीन यानी कि वाई एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ब्लू यानी कि जेड एक्सेस, ओके। इस तरह से हम लोग एक्सेस की पहचान कर सकते हैं।
अगर मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ तो यानी कि वो एक्स एक्सेस में मूव हो रहा है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके अब मैं ब्लू को यूज़ करूँगा तो वो जेड एक्सेस में मूव हो रहा है। ओके इधर पे आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो वाई दिखा रहा है। वाई क्यों दिखा रहा है इस व्यूपोर्ट पे? क्योंकि ये 2D व्यूपोर्ट होता है। 2D व्यूपोर्ट यानी कि इसमें सिर्फ दो एक्सेस ही काम करते हैं। ओके इसमें 2D व्यूपोर्ट में वाई और एक्स एक्सेस ही काम करता है, जेड एक्सेस नहीं होता है। और पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट 3D व्यूपोर्ट है, इसलिए इसमें तीनों व्यूपोर्ट काम करते हैं, तीनों एंगल्स काम करते हैं। ओके तीनों एक्सेस काम करता है इस तरह से। ओके इस तरह से ये हुआ मूव टूल। और ये है रोटेट टूल। रोटेट टूल में भी आप देख सकते हो कि इसमें भी कलर्स दिए हुए हैं अलग अलग एक्सेस के। इसमें भी जाके दो एक्सेस ही काम कर, क्योंकि इसमें भी ये भी 2D व्यूपोर्ट है, तो इसमें दो एक्सेस ही काम, एक्स एंड वाई एक्सेस ही काम है, जेड एक्सेस काम नहीं करेगा। और ये 3D व्यूपोर्ट्स है, तो इसलिए इसमें तीनों एक्सेस काम करेंगे इस तरह से। ओके और इसके जो साइड में जो ये है वाइट कलर का जो सर्कल दिया हुआ है, वो 2D सर्कल होता है। अगर मैं किसी तरह से मगर ऐसे देखा, और मैं 3D में भी अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो वो 2D की तरह हम लोग को रोटेट करके देगा। मेरे को ऐसे ही रोटेट चाहिए, मुझे ऐसे घुमाना है, तो वो उसको फ्लैट 2D बना के, ठीक है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो एक मिनट आपको दिस, ओके दिस भाई मैंने, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये तो आपको पता होगा मैं इसको यूज़ करूँ या उसके बाद तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ये ऐसे घूमता है, इसको यूज़ करता हूँ ये ऐसे घूमेगा। ओके अगर मुझे ऐसे में ही ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए, बस ये ऐसे रहे इस तरह से, ये बाहर का सर्कल यूज़ करूँगा तो इस तरह से कर सकता है। ओके ये हुआ रोटेट टूल, ये है स्केल टूल। स्केल टूल का यूज़ स्केलिंग करने के लिए यूज़ होता है। मेरे को अगर स्केल करना हुआ इसे इस तरह से, जैसे कि मिडल यूज़ करता तो चारों एंगल से एक्सेस से ये स्केल होगा। अगर मैं इसे इस तरह से स्ट्रेच होगा, अगर मैं इस तरह से यूज़ करूँ इस तरह से स्ट्रेच होगा, आपको इजीली तरीके से स्केल का इस पे अच्छे से पता चलेगा। जैसे टीपॉट है, ये टीपॉट। ओके अभी मुझे ये टीपॉट को ऐसे स्केल करना है, तो ये इस तरह से ये 2D स्केल हो गया। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये चारों बाजू से स्केल होगा। ओके अगर मैं सिर्फ ये साइड का ही यूज़ करता हूँ, तो वो उसी एंगल से ही वो स्केल होगा। ये साइड का अगर मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ किया, मुझे ये फ्रंट में दिख रहा है प्रॉपर स्केल। ये 2D स्केल होता है,
सिर्फ उसी एंगल में ही, जिस व्यूपोर्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर ही प्रॉपर स्केल वो दिखाई देगा। अगर मैं टॉप से करता हूँ स्केल, ओके, अगर मैं टॉप से स्केल करता हूँ तो मुझे टॉप में ही प्रॉपर स्केल ऐसे लगेगा कि यूनिवर्सली स्केल हो रहा है, मगर वो सिर्फ टॉप से ही स्केल हो रहा है। ओके, ये हुआ स्केल। इसके शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की है मूव टूल के क्यू, क्यू प्रेस करें तो ये एक्टिव हो जाएगा मूव टूल, सॉरी मूव टूल नहीं, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है क्यू, एंड मूव टूल का शॉर्टकट की है डब्ल्यू, एंड रोटेट टूल का शॉर्टकट की है आर, सॉरी ई, एंड और स्केल टूल का शॉर्टकट की है आर। तो इसका शॉर्ट इसके टूल के हिसाब से इसका शॉर्टकट की भी लाइन बाई लाइन है, क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू डब्ल्यू ई आर, यानी कि सिलेक्शन मूव रोटेट एंड स्केल। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड पैरामीटर के बारे में। ओके।